दुनिया भर में भारत रहस्यमय जगहों के चलते जाना जाता है और इस भारत को रहस्यमय बनाते हैं यहाँ के मंदिर। आपने भारत में स्थित बहुत सारे रहस्यमय मंदिरों के बारे में सुना होगा जिनका रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है और यही वजह है कि दुनिया भर से लोग भारत आते हैं सभी रहस्यमय जगहों को देखने। एनीवे, आज हम बात करेंगे भारत में ही स्थित एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मंदिर के रहस्य को समझने में विज्ञान भी अपने हथियार डाल चुका है। हाँ, ये सच है कि शिव को समझना है, शिव को पाना है तो सबसे पहले शिव में ही लीन होना होगा। इस धरती पर देवों के देव शिवलिंग रूप में विराजमान है। भगवान शिव को इस सृष्टि का सर्जन और सृष्टि का अंत कहा गया है और यही वजह है कि भगवान शिव की आज तक कोई भी था नहीं पा सका। और इतना ही नहीं, भगवान शिव के मंदिरों में छिपे रहस्य भी सबकी समझ से परे हैं। आखिर क्या वजह है कि इन मंदिरों के रहस्य को हमारी आज की डेवलप साइंस भी नहीं समझ पाई। एक ऐसा ही रहस्यमय कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इस मंदिर के रहस्य को समझने के लिए हमारी आज के विज्ञान के छक्के छूट गए। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वर्ग में किया गया था और उसके बाद पृथ्वी पर इस मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि इस मंदिर को स्वर्ग में निर्मित किया गया है और मंदिर के निर्माण के बाद इसे पृथ्वी पर स्थापित किया गया। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर की नक्काशी और कारीगरी भव्य प्रतिमाएं इस बात को दर्शाती हैं कि इसका निर्माण साधारण मानव के बस की बात नहीं है। और बात सही भी है, पूरे के पूरे पहाड़ को खोदकर तराशना और मंदिर में जबरदस्त कारीगरी करना हमारी आज की साइंस के बस की बात भी नहीं है। क्या है हमारे पास आज भी ऐसी टेक्नोलॉजी कि हम बिना जोड़ तोड़ कर पहाड़ को तराश कर एक मंदिर बना दें? और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण एलियन द्वारा किया गया था। अब इससे तो लगता है कि पुराने समय में एलियंस इस पृथ्वी पर आया करते थे। बात कोई भी हो, अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता है। साफ शब्दों में नहीं कहा जा सकता कि यह मंदिर स्वर्ग में बनाया गया था या इस मंदिर का निर्माण एलियन ने किया था। सिंपल सी बात है, जो आस्था वाले लोग हैं वो तो इस मंदिर को स्वर्ग निर्मित मंदिर मानते हैं और जो वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग हैं वो मानते हैं ये किसी उन्नत सभ्यता द्वारा निर्माण किया गया मंदिर है जो किसी दूसरे ग्रह से आए होंगे, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में चट्टान के सिवा कोई दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं हुआ है। अगर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा चट्टान की कार्बन डेटिंग की जाए तो वे मंदिर की आयु नहीं बताएगा बल्कि चट्टान की आयु बताएगा। कुछ वैज्ञानिक इस मंदिर को तकरीबन 1900 साल पुराना बताते हैं और कुछ इस मंदिर को 6000 साल से भी ज्यादा पुराना मानते हैं। इस मंदिर के निर्माण में कहीं भी ईंट, पत्थर या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक पहाड़ी को ही तराश कर इस तरह से मंदिर का रूप दिया गया है जो कल्पना से परे है। शोधकर्ता बताते हैं कि मंदिर का निर्माण नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर किया गया था। यह मंदिर का एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान के लिए सदियों से एक चुनौती है। अगर यह मंदिर पृथ्वी पर ही बना है या एलियंस ने बनाया है तो आखिर किस तरह की मशीनों और टेक्नोलॉजी से इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा? भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के वैज्ञानिक भी इस मंदिर की निर्माण कला को देखकर अचंभव में हैं। अगर धार्मिक लोगों की माने तो उनका कहना है कि मंदिर के निर्माण में किया गया होगा भौमस्त्र का इस्तेमाल। कैलाश मंदिर की अद्भुत रचना को देखकर केवल यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मंदिर के निर्माण में वेदों में उल्लेख भौमस्त्र का उपयोग किया गया होगा। यह उस जमाने की एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी, इस अस्त्र में पत्थर को पिघलाने की शक्ति थी, यानी पत्थर को पिघलाकर उसे आकार दिया गया होगा। और मंदिर को देखने के बाद लगता है कि मानो मंदिर का नक्शा पहले से ही तैयार रहा होगा। मंदिर के भीतर बहुत से ऐसे विशाल खंभ हैं जिनको जोड़ते हुए पुल भी बने हुए हैं और मंदिर की बालकनी भी है और मंदिर के नीचे है सुरंगों का माया जाल जहाँ तक कुछ ही लोग पहुँच पाए थे। एक विदेशी शोधकर्ता ने मंदिर के नीचे बनी सुरंगों के अंतिम छोर तक जाने का दावा किया। उसने बताया कि मंदिर के नीचे एक विशाल कमरा है जो कि हूबहू मंदिर की ही तरह है। वहाँ उसने कुल 7 लोगों को देखा जिसमें से 2 लोग कभी दिखते तो कभी गायब हो जाते थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के नीचे कभी पूरा शहर हुआ करता था। आज मौजूदा समय में ये सभी गुफाएं आम लोगों के लिए बंद कर दी गई हैं। 276 फीट लंबे, 154 फीट चौड़े इस मंदिर के निर्माण में तकरीबन 2000 साल लगे होंगे ऐसा माना जाता है। मंदिर के स्ट्रक्चर्स को देखते हुए
अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन इसमें 7000 कारीगरों ने निरंतर काम किया होगा। और कमाल की बात है, इस मंदिर में कभी पूजा किए जाने का अब तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। यानी मंदिर तो है लेकिन आज तक इसमें पूजा नहीं की गई, और आज भी इस मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं है। इसके निर्माण में करीब 40,000 टन बजनी पत्थरों को तराशा गया था। मंदिर के आंगन के तीनों तरफ कोठरियां हैं और सामने खुले मंडप में नदी विराजमान है। इसके दोनों तरफ विशालकाय हाथी व अन्य स्तंभ बने हैं। यह प्राचीन शिव मंदिर इतना शक्तिशाली माना गया है कि यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन मात्र ही रोग खत्म हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस मंदिर के नीचे बहुत सारी रहस्यमय गुफाएं हैं, जहाँ भगवान शिव से जुड़े कई राज इन गुफाओं में बंद हैं। मंदिर को देखने के बाद लगता है कि मानो आप किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हों। आप मंदिर को देखते ही इसमें डूब जाओगे, कहीं दूर खो जाओगे, शायद शिव में ही विलीन होने लगोगे। मंदिर की सच्चाई कुछ भी हो, सभी लोगों के अपने अपने तर्क हैं। मेरा काम था आप लोगों को जानकारी देना। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हो सके तो इस मंदिर के रहस्य के बारे में सभी लोगों को बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको टेक रिलेटेड और रहस्यमय वीडियोस मिलती रहती हैं। One.